हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू अन अकेडमी सभी का बहुत बहुत स्वागत है रात के आठ बज चुके हैं हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार लाइव सेशन के साथ भाई साहब जितने लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सके जय हिंद ऑफिसर्स आ जाइए आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके अपने परिवार लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम के सबसे धमाकेदार सेशन द एक्सप्रेस 365 करंट अफेयर्स भाई साहब हम लोग आज फाइनली वापस से यूट्यूब पर आ चुके हैं क्योंकि आज है बेटा 14 सितंबर और ठीक आज ही के दिन दो महीने के बाद आपकी होगी अग्नि परीक्षा मतलब कि आपका सी का एग्जाम 14 नवंबर 2021 को होना है तो अब 60 दिन बचे हैं और बेटा करंट अफेयर्स को लेकर अब बहुत सीरियस हो जाओ याद रखिएगा करंट अफेयर्स बेटा आपके एग्जाम में अकेले 20 प्लस क्वेश्चंस देगी मतलब आप अपनी सेक्शनल कट ऑफ अकेले करंट अफेयर्स से पूरी कर सकते हैं अब आप कहेंगे सर आप करंट अफेयर्स के जो हमारा जो 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 सॉरी सेक्शनल कट ऑफ है उसमें कितनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं बेटा सच्चाई अगर बताऊं तो सीडीएस ओटीए का फॉर्म करीब ढाई लाख बच्चे भरते हैं जिसमें से 90 परसेंट से ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो GS की सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाते हैं लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं करंट अफेयर्स में याद रखिएगा तो मैं आपको दो चीजें बता देता हूं बेटा देखो करंट अफेयर्स इस बार सी के लिए हमें करनी है नवंबर दो से लेकर के तो अक्टूबर दो तो इकतीस अक्टूबर 31 अक्टूबर 2021 तक की पूरी करंट अफेयर्स को खत्म करनी है 31 अक्टूबर के बाद की करंट अफेयर्स नहीं पढ़नी है वो आपके एग्जाम में नहीं आएगी तो 1 नवंबर 2020 से 31 अक्टूबर 2021 की भैया पूरी करंट अफेयर्स हमें कंप्लीट करनी है और जो लास्ट के तीन महीने हैं ना बेटा 30 परसेंट क्वेश्चन तो अकेले यहीं से आते हैं इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ये जो हमारा सेप्टेंबर है वो पूरा अक्टूबर है इसको तो बेटा घोल के पी जाना जैसे तुमने कहते हैं कोई जड़ी बूटी पी ली है बस पी जाओ घोल के पी जाओ ये लास्ट के दो महीने तो तुम्हारे एग्जाम के इतने इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता करंट अफेयर्स देखो बेटा दो चीजें हैं एक तो हमारी डेली करंट अफेयर्स होगी जो कि मंडे टू फ्राइडे रात आठ बजे होती है वो तो होती ही होती है और एक मंथली करंट अफेयर्स है मंथली करंट अफेयर्स का टाइम थोड़ा चेंज कर दिया है सैटरडे दोपहर को बारह बजे मैं कराऊंगा तो मंथली करेंट अफेयर सैटरडे दोपहर बारह बजे तो हमारा करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें आपको जो है न्यूज भी मिलती है भी मिलते हैं और पीडीएफ भी मिलती है याद रखिएगा ये करंट अफेयर कौन से बच्चे करें आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं ओटीए की है सीएपीएफ की है एनडीए की है एफ कैट है सी है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है एसएससी है हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं भी करते हैं तो भी आपको अधिकार है कि आप देश दुनिया की खबरों से अवगत हो जाइए आज का करंट अफेयर 14 सितंबर का है लेकिन इसमें 13 सितंबर भी जुड़ा हुआ है क्योंकि कल मैंने करंट अफेयर नहीं ली थी कल मुझे बुखार था इस वजह से इसमें 13 और 14 सितंबर दोनों दिन का शामिल है याद रखिए आ जाओ बेटा फटाफट लाइक और शेयर ठोको यार सारे लोग तो भाई देखो यहां कितनी खूबसूरत बात कही गई है सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट रिपीटेड तो छोटे छोटे एफर्ट्स जो हैं जिन्हें आप रिपीट करते हैं तो सक्सेस उससे मिलकर बनती है तो सक्सेस सिर्फ एक चीज नहीं है इट सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स छोटी छोटी, छोटी चीजें बेटा याद रखिएगा परसिस्टेंस हार्ड वर्क फोकस नेवर से डाई सब कुछ मिलाते हो ना तब सक्सेस बनता है याद रखिएगा ठीक है तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं मेरा नाम है काशि बंसारी मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है दस साल से ज्यादा मैं हूं वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स अन अकेडमी प्लस पर दो लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ा चुका हूं मुझे प्रूफ ऑफ जीनियस अवार्ड मिल चुका है आप मुझे अन अकेडमी फॉलो कर सकते हैं जीएस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है पॉलिटी हिस्ट्री जोग्रफी इकोनॉमिक करंट अफेयर मिसलेनियस सब कुछ मैं पढ़ाता हूं सो लेट्स क्रैक सी आपका एस का सीएपीएफ विद इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी यहां पर आपको डेली लाइफ क्लासेस स्ट्रक्चर्ड सेशन प्लान अनलिमिटेड प्रैक्टिस अनलिमिटेड एक्सेस इंडिया के टॉप एजुकेटर्स इसके लिए आपको क्या करना है अनअकेडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है याद रखिएगा अन अकेडमी में सारी क्लासेस लाइव होती हैं और एक सब्सक्रिप्शन लेना है तीन हजार से ज्यादा कोर्सेज आप से आपके लिए अवेलेबल हैं मतलब अन अकेडमी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां पर सब्सक्रिप्शन बहुत कस्टमाइज्ड होता है एक सब्सक्रिप्शन और तीन हजार से ज्यादा आप, आप हमारे तो भैया ये टेलीग्राम चैनल है क्यू एंड एकेडमी से जुड़ जाओ अपडेट नोटिफिकेशन पीडीएफ सब यही मिलते हैं और कल से भैया शुरू हो रहा है पंद्रह सेप्टेंबर है कल कल से भैया हमारा आखिरी बैच हो रहा है शुरू सीडीएस ओटीए का जो कि एक क्रैश कोर्स है सिक्सटी डेज का जिन्होंने पढ़ाई नहीं की उसमें आ सकते हैं डॉक्टर अमित सिसोदिया इंग्लिश पढ़ा रहे हैं मैं ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमी करेंट अफेयर विशाल सर पॉलिटी रेशमा मैम साइंस और सुजीत सर पढ़ाने वाले हैं मैथ्स बहुत शानदार बैच होने वाला है इसके लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो एक तीन छह बारह चौबीस बेस्ट सब्सक्रिप्शन बारह और चौबीस महीने के हैं मेरा कोड याद रखना क्यू लेकिन आपके लिए दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है पहली ये है कि भाई साहब देखो अब 10 से लेकर 30 सितंबर के बीच सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 12 महीने का एस बिल्कुल फ्री मिल रहा है मतलब सीडीएस का 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे 12 महीने का एस तुम्हें बिल्कुल फ्री मिलेगा और यह है फ्राइडे तक का ग्रैंड ऑफर जो इस वीक है जिसमें बेटा 13 से 17 सितंबर के बीच आपको मालूम है कि हमारे हर सब्सक्रिप्शन में 15 परसेंट का डिस्काउंट चल रहा है प्लस मेरा सब्सक्रिप्शन कोड इस्तेमाल करोगे 10 परसेंट और मिलेगा टोटल ट्वेंटी फाइव परसेंट तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है सिर्फ फ्राइडे तक तो भाई अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो फ्राइडे तक आपको तो पच्चीस परसेंट मिलेगा वैसे दस मिलता है पंद्रह एक्स्ट्रा मिल रहा है तो देर ना करिए आज ही अन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मंथली करंट अफेयर यूट्यूब पर सैटरडे को दोपहर बारह से दो बजे के बीच होगा चलो भाई शुरू किया जाए सेशन सारे लोग हरी झंडी दिखा दे बस शुरू करते हैं बहुत तबाही होने वाली है एक बार लाइक और शेयर कर दो यार सारे लोग अपने टारगेट को पूरा करो आपको मालूम है हमारा टारगेट क्या है जल्दी से हंड्रेड प्लस लाइव और हंड्रेड प्लस लाइक होने चाहिए जल्दी जल्दी फटाफट और ये दो महीने बच्चों मेरे मेरे ऊपर विश्वास करो ये दो महीने लग जाओ मैं डेली तुम्हें चार घंटे दे रहा हूं दोपहर को बारह बजे यूट्यूब पर दोपहर दो बजे ऐप पर शाम को छह बजे ऐप पर रात को आठ बजे यूट्यूब तो बारह और आठ यूट्यूब और दो और ऐप चार घंटे लगाओ पचास से साठ नंबर तुम्हारे गारंटी है सी में इस बार जीएस के सेक्शन में चलो भाई शुरू किया जाए चलो भाई चलो भाई शुरू करते हैं सारे लोग आ चुके हैं पहली खबर बहुत शानदार आ रही है एम आर एस ए एम तो आप जानते ही होंगे मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम क्या बात है भाई साहब तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी से पहला क्वेश्चन आ रहा है एम आर एस एम आर एस एम तो एम आर एस ए एम क्या होता है बेटा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स अब सरफेस टू एयर मिसाइल्स क्या होती हैं ये बेटा सरफेस से चलाई जाती हैं और ये एरियल टारगेट्स को उड़ाने के लिए होती हैं एरियल टारगेट जैसे कि हेलीकॉप्टर्स हो गए फाइटर जेट्स हो गए सैटेलाइट्स हो गई यूएवीज हो गए ठीक है बेटा इन सबको उड़ाने के लिए एम आर एस एम की जरूरत पड़ती है याद रखिएगा सो so, देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन सिग्निफिकेंट बूस्ट टू इंडिया डिफेंस कैपेबिलिटीज द फर्स्ट डिलीवरेबल फायरिंग यूनिट ऑफ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम वॉज हैंडेड ओवर टू इंडियन एयरफोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एट जैसलमेर इन राजस्थान तो भाई साहब इंडियन एयरफोर्स को पहली जो बैच है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का वो सौंपा गया है आज जैसलमेर में और वहां पर देश के रक्षा मंत्री जिन्हें डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह कहते हैं उनकी प्रेजेंस में इसे सौंपा गया है बहुत बढ़िया खबर है तो पहली खबर यह है कि इंडियन एयरफोर्स को पहला बैच एमआरएसएम का सौंपा गया है अब दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में यह उठता है कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को बनाया किसने है तो आइए मैं बता देता हूं द एम आर एस एम एयरफोर्स इज एन एडवांस नेटवर्क सेंट्रिक कॉम्बैट एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप ज्वाइंटली बाई द डी आर डी ओ एंड द इराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इन कोलेबरेशन विद द इंडियन इंडस्ट्री कंप्राइजिंग ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इंक्लूडिंग एमएसएमई तो इसे बनाया है याद रखिएगा भारत का डी आर डी ओ जिसे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इजराइली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ठीक है तो जराइल की जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसके साथ मिलकर डीआरडीओ ने इसे बनाया है द सिस्टम अ पॉइंट एंड एरिया एयर डिफेंस फॉर ग्राउंड एसेट्स अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ थ्रेड इंक्लूडिंग फाइटर जेट्स हेलीकॉप्टर गाइडेड एंड अनगाइडेड म्यूनिशन सबसोनिक एंड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एटसेट्रा इट इज केपेबल ऑफ एंगेजिंग मल्टीपल टारगेट्स एट रेंजेस अपू सेवेंटी किलोमीटर इन सीवियर सैचुरेशन सीना तो याद रखिएगा फाइटर जेट्स हो गए यू हो गए याद रखिएगा हेलीकॉप्टर हो गए सैटेलाइट्स uh, हो गए इन सबको उड़ाने के काफी काम आ सकता है और इसकी रेंज 70 किलोमीटर है जमीन से मारा जाएगा 70 किलोमीटर की रेंज में याद रखिएगा बहुत बढ़िया हां जी ये बहुत बढ़िया है तो द मिसाइल इज पावर्ड बाई इंडिजिनियसली डेवलप्ड रॉकेट मोटर एंड कंट्रोल सिस्टम फॉर अचीविंग हाई मेन्यूवेबिलिटी ड्यूरिंग द टर्मिनल फेज द फायरिंग यूनिट कंप्राइज ऑफ मिसाइल कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल लॉन्चर सिस्टम एडवांस लॉन्ग रेंज रडार मोबाइल पावर सिस्टम रडार पावर सिस्टम रिलोडर व्हीकल एंड फील्ड सर्विस व्हीकल तो याद रखिएगा यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अभी पूछा जा सकता है कि हमारे देश में एमआरएसएम जो है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ये किसने इंडक्ट की है कमीशन किया है तो इसे इंडक्ट किया गया है इंडियन एयरफोर्स को इसे किसने बनाया है इसे डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर बनाया है और तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है इसे कहां पर हैंडओवर किया गया था तो जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन जो कि राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर पर है और चौथा क्वेश्चन आ सकता है इसकी रेंज कितनी है तो 70 किलोमीटर इसकी रेंज है तो काफी ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम है याद रखिएगा सो भारत कहीं ना कहीं जो है अपनी एयर कैपेबिलिटीज को भी दुनिया को शोकेस कर रहा है बहुत बढ़िया शाबाश 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 ठीक है बेटा आयरन डोम सिस्टम जो इसराइल का है वो एंटी एंटी सिस्टम है याद रखिएगा हां जी वो भी काफी सॉलिड सिस्टम है याद रखिएगा आयरन डोम टेक्नोलॉजी जो इसराइल के पास है इसराइल ऑब्वियसली बेटा एयरफोर्स के मामले में मतलब दुनिया में पाइनियर है मतलब आप कह सकते हैं इसराइल जो है बेटा पाइनियर है एयरफोर्स के मामले में कई बार कई रक्षा विशेषक ऐसा भी कहते हैं इसराइल की जो एयरफोर्स है वो एट पार है विद द यूएसए ऑल्सो ठीक है बेटा तो वो यूएसए से भी एट पार कई लोग उसे मानते हैं याद रखिएगा ठीक है बहुत बढ़िया लाइक और शेयर हो जाए बहुत अच्छे शाबाश दूसरा खबर ये देखिए बेटा ये है बहुत तगड़ी खबर आ रही है वर्ल्ड्स नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड क्या बात है ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ रहा है तो हुआ ये कि कुछ एडवेंचरस लोग थे बेटा जो कि दुनिया के सबसे रिमोटेस्ट आइलैंड जो कि ग्रीनलैंड में स्थित है उससे भी आगे निकल गए और उन्हें दुनिया का सबसे रिमोटेस्ट आइलैंड जो कि सबसे उत्तरी आइलैंड है दुनिया में आपसे क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे जो नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है वो अभी कहां पर डिस्कवर किया गया है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आइए देखते हैं तो आइलैंड डिस्कवर्ड ऑफ ग्रीनलैंड इज द न्यू स्पेक ऑन द वर्ल्ड मैप तो वर्ल्ड मैप में एक भैया नई जगह जोड़ी गई है एक नया आईलैंड ग्रीनलैंड में मिला है हालांकि मैं आपको बताऊं किसका भी कोई नाम नहीं रखा गया है लेकिन काफी बड़ी खबर है ये देखिएगा तो आप देख सकते हैं टीम ऑफ आर्टिक रिसर्चर्स फ्रॉम डेनमार्क से देट एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड वॉट दे बिलीव इज द वर्ल्ड नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड लोकेटेड ऑफ द ग्रीनलैंड कोस्ट ये देखेगा <clears throat> तो ये आप देख सकते हैं ग्रीनलैंड है और यहां पर क्या होता है ग्रीनलैंड की कोस्ट में उसका नाम है याद रखिएगा उडाक सो उडाक नाम का एक आईलैंड है याद रखिएगा यह ग्रीनलैंड की कोस्ट से करीब सात मीटर दूर है तो ग्रीनलैंड की कोस्ट से यह करीब करीब सात मीटर दूर है अब हुआ ये कि जब यहां पर वो पहुंचे डिस्कवरर्स तो उनको देखा कि एक और आइलैंड उसके उधर भी है तो उसे दुनिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड कहा गया ठीक है तो आइए देखते हैं द साइंटिस्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कॉप इनिशियली थॉट दे हैव अराइव एट उडाक आइलैंड डिस्कवर्ड बाय द डेनिश सर्वे टीम इन 1978 टू कलेक्ट सैंपल्स ड्यूरिंग एक्सपेडिशन दैट वाज कंडक्टेड इन जुलाई तो 1978 में एक आइलैंड डिस्कवर हुआ था जिसका नाम था उडाक तो भाई साइंटिस्टों को लगा कि वही पहुंच गए हैं लेकिन एक्चुअली वो उडाक नहीं था याद रखिएगा दे इंस्टेट बाउंड अप ऑन एन अपनडिस्कवर्ड आइलैंड फर्दर नॉर्थ तो ये अनडिस्कवर्ड आइलैंड है आईलैंड हंटर्स आर नोन एज एडवेंचर इज टू सर्च फॉर अनोन आइलैंड तो दे येट टू बी नेम्ड आइलैंड सात सौ अस्सी मीटर नॉर्थ ऑफ उडॉक एंड आइलैंड ऑफ केप मॉरिस जैसप द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ ग्रीनलैंड एंड वन ऑफ द मोस्ट नॉर्दरली पॉइंट ऑफ लैंड ऑन अर्थ याद रखिएगा तो ये जो आइलैंड इसको नाम नहीं दिया गया है करीब 780 मीटर जो है उडाक से नॉर्थ में है याद रखिएगा आइलैंड ऑफ द केप मॉरिस जैसा अब याद रखिएगा तो ये काफी इंपॉर्टेंट है दुनिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड आपसे पूछा जा सकता है कि अभी कहां पर मिला है तो ग्रीनलैंड में मिला है लेकिन उसका नाम नहीं रखा गया है याद रखिएगा द टाइनी आइलैंड अपरेंटली डिस्कवर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ शिफ्टिंग पैक आइस इज अबाउट थर्टी टू सिक्सटी मीटर्स

नेमिंग द आइलैंड एस क्यूटेग्री एवलांक्रे विच मीन नॉर्दन मोस्ट आइलैंड इन ग्रीनलैंडिक तो इन्होंने कहा है कि इसको हम नाम देंगे क्यूट्राके देखो बेटा इसको नाम देने की बात हो रही है क्यूकर्टी अवनार्के विच मींस द नॉर्दन मोस्ट आइलैंड इन ग्रीनलैंडिक तो ग्रीनलैंडिक भाषा में इसको नाम दिया गया है क्यूकारटिक अवान के अब मालूम है यूपीएससी को बड़ा पसंद है ऐसे क्वेश्चन पूछना रिसेंटली सीन इन न्यूज ऐसा पूछता है हाल में ही खबरों में रहा आंके क्या है आपसे ऐसे सीधे पूछ लेंगे अब आप कहेंगे ऐसे पूछते हैं यूपीएससी वाले जैसे कि हाल में ही खबरों में रहा जैसे पता नहीं हमने कितनी खबरें पढ़ी हैं तो याद रखिएगा सो क्यूटार्टिक आंके नाम का इसे आइलैंड को नाम दिया जा रहा है जो किसका मतलब है कि दुनिया का सबसे उत्तरी आइलैंड होगा याद रखिएगा ठीक है सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और अगली खबर अगली खबर ऐसी है जो मुझे लगता है कि इस बार आपके सीडीएस टू टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में आने जा रही है तीसरी खबर बेटा ऐसी है मुझे लग रहा है कि गारंटी क्योंकि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से है और याद रखिएगा एनवायरमेंट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कल्चर यूपीएससी के टॉप टॉपिक हैं कान खड़े कर लिया करिए जैसे ही सुना करिए तीसरी खबर बेटा ये मुझे लग रहा है कि ये आपके सीडीएस में आ रही है तो ये सीडीएस डी एस टू दो में आने की पूरी पूरी चांस है ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व भाई साहब एनवायरमेंट का क्वेश्चन आ रहा है और एनवायरमेंट आपको मालूम होना चाहिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेगा सो ड्यूगोंग क्या होता है बेटा ड्यूगोंग एक एनिमल होता है जो समुन्द्र में पाया जाता है मरीन एनिमल होता है यह एक मिड साइज का मरीन एनिमल है जिसे ड्यूगोंग कहा जाता है ये दुनिया में जो है बेटा वलरेबल कैटेगरी में आता है कई जगह बेटा ये एंडेंजर्ड में भी है तो याद रखिएगा कि इसका जो है कंजर्वेशन रिजर्व भारत में खोला जा रहा है और ये एग्जाम में आ सकता है सो इंडिया फर्स्ट ड्यूबॉंग कंजर्वेशन रिजर्व टू बी इन तमिलनाडु सो तमिलनाडु में खोला जाएगा सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि ड्यूबोंग का कंजर्वेशन रिजर्व भारत में कहां खोलने की बात हुई है तो तमिलनाडु में सो इंडिया फर्स्ट ये देखिए ये एक सी एनिमल है आप देख सकते हैं ड्यूबोंग कहते हैं सो इंडिया फर्स्ट ड्यूबॉन्ग कंजर्वेशन रिजर्व विल बी बिल्ट इन तमिलनाडु फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अ मरीन एनिमल दैट हैज बीन एनलिस्टेड एनिमलिडरेबल टू एक्सटिंक्शन ऑन द ग्लोबल स्केल बाय द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन जिसे IUCN कहते हैं सो so, यू तो आप जानते हैं बेटा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये सबसे इंपॉर्टेंट संगठन है जो सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट जारी करता है तो बेटा ये दुनिया में कई जगह वलरेबल में आता है कई जगह एक्सटिंक्शन में भी है तो वलरेबल से लेकर एक्सटिंक्शन की कैटेगरी में ही आता है और इसका जो है कंजर्वेशन रिजर्व भारत में खोला जाएगा कहां पर तमिलनाडु में दिस इज समथिंग कॉल्ड एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा द रिजर्व विल स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 500 हंड्रेड किलोमीटर इन पाक बे ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु पाक बे इज अ सेमी एंक्लोज शेलो वॉटर बॉडी विदर डेप्थ मैक्सिमम ऑफ तेरह मीटर तो याद रखिएगा ये पाक बे में खोला जाएगा जो कि शेलो वाटर है मतलब वहां पानी गहरा नहीं है और 500 किलोमीटर का एरिया में खोला जाएगा याद रखिएगा जो कि यहां पर पानी के डेप्थ से 13 मीटर होगी लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका अलॉन्ग तमिलनाडु कोस्ट द ड्यूगोंग इज अ फ्लैगशिप स्पीशीज इन द रीजन डिवगोंग और द सी काउ इज द स्टेट एनिमल ऑफ अंडमान निकोबार को तो याद रखिएगा बेटा ये सी काउ भी कहते हैं ये स्टेट एनिमल ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड भी है दिस एंडेंजर्ड मरीन स्पीशीज सर्वाइव ऑन सी ग्रास एंड अदर एक्वेटिक वेजिटेशन फाउंड इन द एरिया इट इज द ओनली हर्बी बोरस मैमल दैट इज स्टिकली मरीन एंड इज द ओनली एक्सटेंट स्पीशीज फ्रॉम द फैमिली डुगोंडे तो याद रखिएगा ये ड्यूगोंग ये एक मरीन एनिमल होता है इसे बेटा सी काउ भी कहते हैं इसका कंजर्वेशन किया जाएगा तमिलनाडु के पाक बे वाले एरिया में 500 किलोमीटर के शैलो वाटर में और याद रखिएगा ये ड्यूगोंग जो है वनरेबल से एक्सटिंक्शन में आता है आईयूसीएन के ग्लोबल लिस्ट में उसके साथ साथ ये याद रखिएगा अंडमान और निकोबार का जो आईलैंड्स है हमारे उसका जो है बेटा श्रेड एनिमल भी है याद रखेगा डिगोन अबाउट थ्री मीटर लॉन्ग एंड वेट अबाउट फोर हंड्रेड केजीसोंग एन एक्सपैंड लाइक डॉल्फिन तो इनके बेटा दो नॉस्ट्रियल और दो डोजलफिन होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड इन शेलो ट्रॉपिकल वॉटर्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन इन इंडिया दे फाउंड इन द गल्फ गल्फ ऑफ ऑफ कच्छ मन्नार पाक बे एंड अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं सो ड्यूगोंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा सबको क्लियर है तो ये काफी बड़ा होता है अगर साइज में देखें थ्री मीटर थ्री मीटर का मतलब है करीब करीब दस फीट इसकी लेंथ होती है और चार सौ किलोमीटर वजन होता है चार सौ किलोग्राम वजन होता है तो आप सोच सकते हैं काफी हैवी एनिमल है याद रखिएगा इसे सी काउ भी कहा जाता है और इसका कंजर्वेशन रिदर्व भारत के तमिलनाडु में खोला जाएगा पाक बे वाले एरिया में ये याद रखना मेरे बच्चे मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा ठीक है हाँ जी बहुत बढ़िया आई एम डिस्टर्बिंग लिटिल बट इंपॉर्टेंट फ्रॉम साइड सो प्लीज अबाउट इट क्या पूछा है बेटा अनिल यादव अनिल यादव हाँ जी हां जी अनिल यादव बताइए कल से जो कोर्स शुरू हो रहा है कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए बताइए क्या प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम हो बता दीजिए बेटा आपका अधिकार है पूछना भाई साहब लाइक और शेयर होना चाहिए हंड्रेड प्लस तुरंत पहुंचाना चाहिए एक बार में पहुंचा दो यार सारे लोग लाइक बटन खोक दो चौथी खबर और भी बहुत बड़ी आ रही है याद रखिएगा हाँ देखो बेटा डायरेक्ट एयर कार्बन कैप्चर क्या बात है भाई साहब बहुत बड़ा क्वेश्चन है एनवायरमेंट बच्चो कान खड़ा कर लो एनवायरमेंट आ गया फिर से सो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट कैप्चरिंग कार्बन फ्रॉम एयर शार्ट इन आइसलैंड याद रखिएगा ठीक है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट कैप्चरिंग कार्बन अब होता क्या है भैया ये आइसलैंड ने बनाया है बहुत शानदार है ये एक प्लांट है जो क्या करता है कि एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे कैप्चर करता है और उसे जमीन में जो है दबा देता है जमीन में सिंक कर देता है ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड जब एटमोसफेयर में होती है तभी तो बेटा वो हमारे जो है एटमोस्फेयर को गर्म करती है तो ये एटमोस्फेयर से उठा करके उसे जमीन में डंप कर रहा है ये काफी सॉलिड चीज है याद रखिएगा ठीक है आइसलैंड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है हाँ जी आप पॉलिटी नहीं पढ़ाएंगे क्या नहीं मुजम्मिल शेख साहब मैं उसमें पॉलिटी नहीं पढ़ा रहा हूं ठीक है तो और का ये देख सकते हैं द लार्जेस्ट डायरेक्ट एयर कैप्चर फैसिलिटी स्टार्टेड ऑपरेशन इन आइसलैंड आइसलैंड आपको मालूम है एक छोटा सा देश है याद रखिएगा ठीक है सो ये काफी इंपॉर्टेंट है और का द लार्जेस्ट डायरेक्ट एयर कैप्चर फैसिलिटी स्टार्टेड ऑपरेशन इन आइसलैंड हां जी इट विल पुल सीओ टू फ्रॉम द एयर एंड ट्रैप इट इन द ग्राउंड इट विल डू दिस एट द रेट ऑफ फोर थाउजेंड टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर विच इज अमाउंट ऑफ द वर्ल्ड वुड रिलीज इन फोर सेकेंड तो ये एक साल में करीब चार हजार टन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करेगा चार हजार टन एक साल में और चार हजार टन कितना होता अगर पूरी दुनिया को मिला दें तो पूरी दुनिया चार सेकंड में उतनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है बट कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं कहते ना कि छोटा छोटे छोटी चीजें भी जरूरी होती हैं योगदान जरूरी है तो ठीक है बेटा चार सेकंड की कार्बन डाइऑक्साइड तो कम होगी ना ठीक है हाँ जी आ, बेटा बहुत बढ़िया अनिल यादव बेटा विशाल सर और रेशमा मैम का साइंस का जो शेड्यूल है और पॉलिटी का शेड्यूल वो अगले पांच सात दिन में अपडेट हो जाएगा आ रहा है क्योंकि पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं सात आठ दिन बाद वो लोग शुरू करेंगे इस वजह से वो नहीं दिख रहा है वहां पर ठीक है चलो भाई तो डायरेक्ट एयर कैप्चर इज वन ऑफ द फ्यू टेक्नोलॉजीज एक्सट्रैक्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड डायऑक्साइड एटमॉस्फेयर एंड व्यूड बाई अस्ट एज वाइटल टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग ब्लेम फॉर कॉजिंग मोर हीट वेव्स वाइल्ड फायर फ्लड एंड राइजिंग सी लेवल डायरेक्ट एयर कैप्चर इज स्टिल फ्लेजिंग एंड कॉस्टली टेक्नोलॉजी बट डेवलपर्स होप टू ड्राइव डाउन प्राइसेस बाय स्केलिंग अप एज मोर कंपनीज एंड कंज्यूमर्स लुक टू रिड्यूस देयर कार्बन फुटप्रिंट्स याद रखिएगा ठीक है तो ऑब्वियस ही बात है कार्बन डाइऑक्साइड आपको मालूम है दुनिया में आजकल हीट वेव्स हो गई वाइल्ड फायर हो गए फ्लड्स हो गए, गए राइजिंग सी लेवल हो गए इन सब के लिए बेटा बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं। तो याद रखिएगा ये ओरका एक फैसिलिटी शुरू की गई है आइसलैंड में जो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर उसे गर्म जमीन में डाल देगी अब इससे क्या होगा ये इतना कार्बन डाइऑक्साइड करीब 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर एब्सॉर्ब करेगी जो कि दुनिया के टोटल एमिशन की अगर बात करें तो दुनिया इतना एमिशन चार सेकेंड में कर देती है बट स्टिल कुछ तो करा हमने ठीक है तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू सब लोग इंजॉय कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं बेटा ये बहुत बड़ी खबरें हैं बहुत इंपॉर्टेंट इस समय तो मैं आपको सिर्फ वो पढ़ा रहा हूं मतलब जो कि मतलब मुझे दिख रहा है कि ये तो एग्जाम में आ रहा है बाबा तो जो एग्जाम में आ रहा है बिल्कुल वही पढ़ा रहा हूं तुम्हें कुछ फालतू तु नहीं नो ईस्ट नो वेस्ट ओनली सेंटर भैया वो पढ़ाओ बच्चों को जो एग्जाम में आए मतलब बच्चों को भैया सेलेक्ट करवाना है मुझे और इस बार का मेरा एम है कि सी डी एस टू दो हजार बीस इक्कीस में भाई साहब दो सौ प्लस सिलेक्शन होने चाहिए याद रखिएगा कम से कम रिटर्न में तब मजा आता है जीवन में ठीक है चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर ये देखिएगा न्यूज नंबर पांच टू प्लस टू मिनिस्टीरियल डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल रिलेशन बहुत अच्छी चीज है सो so, इंडिया ऑस्ट्रेलिया होल्ड टू प्लस टू डायलॉग जयशंकर वेलकम स्पेन विद हिज फर्स्ट बम अब देखो भैया ये देखो बहुत बढ़िया चीज है आप देख सकते हो कि इंडिया इस समय बेटा ऑस्ट्रेलिया से काफी करीबी बढ़ा रहा है आपको मालूम होना चाहिए कॉर्ड ग्रुप तो आप जानते ही होंगे बेटा इंडिया यूएसए ऑस्ट्रेलिया और जापान इसके पीछे सारा मेन कारण यह है कि जो पैसिफिक में जो साउथ चाइना सी वाला एरिया है वहां पर चाइना के दबदबे को बेटा कंट्रोल करने के लिए भारत ऐसे स्टेप्स ले रहा है तो जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इन द पैसिफिक रीजन तो पैसिफिक रीजन में ऑस्ट्रेलिया काफी इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से याद रखेगा कि भारत एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है वो उसने स्टार्ट करी है किसके साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ सो so आप देख सकते हैं इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया बिगैन द हाई लेवल टू प्लस टू फॉरन एंड डिफेंस मिनिस्ट्रियल डायलॉग इन न्यू डेली याद रखेगा तो दो चीजों में है फॉरन में भी है और डिफेंस में भी तो आप देख सकते हैं ये हमारे जो है फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब हैं डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं हमारे श्री राजनाथ सिंह वैसे ऑस्ट्रेलिया के भी फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर आए हैं भारत चलो भाई देखते हैं तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हेल्ड द क्लोज डोर टॉक विद ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट मरीज पेन एंड पीटर ड्यूटोन तो याद रखिएगा कि मरीज पेन जो है ये ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं और पीटर ड्यूटोन ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं डायलॉग इज एम्ड एट फर्दर रैम्पिंग अप द ओवरऑल डिफेंस स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज इंक्लूडिंग द इंडो पैसिफिक एंड चाइनाज इंक्रीजिंग मिलिट्री एसर्टिव इन द रीजन समझ रहे हो भैया मैंने बताया था कारण सिर्फ एक ही, ही है और वो कारण यह है कि साउथ चाइना सी वाला जो एरिया है पैसेफिक में उसमें जो है चाइना के बढ़ते हुए वर्चस्व को कम करना है क्योंकि चाइना लगातार आप देख सकते हैं कि साउथ चाइना सी में अपने वर्चस्व को बढ़ा रहा है लगातार आइलैंड्स को कैप्चर कर रहा है और बहुत सारे जो उसके नेबरिंग कंट्रीज उनके बहुत सारे आइलैंड्स को ऑलरेडी उसने कैप्चर कर लिया है द फॉर एंड द डिफेंस मिनिस्टीरियल टॉक्स आर टेकिंग प्लेस अमिड रिन्ड एफर्ट बाई कंट्रीज टू एक्सपैंड कॉपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन बिसाइड्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया द कॉर्ड कंप्राइजेस ऑफ द यूएस एंड जापान तो इसमें यूएसए और जापान भी शामिल है बहुत बढ़िया क्वाड में तो भाई साहब मिनिस्टीरियल मीटिंग आज शुरू हुई है काफी अच्छी खबर है भारत के लिए तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में सीधे सीधे कि अभी जो है डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मिनिस्टीरियल मीटिंग हुई थी टू प्लस टू वो भारत की किसके साथ हुई तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ठीक है तो पांच खबरें हो गई भाई साहब कल से बैच शुरू हो रहा है बाबा बहुत भयंकर बैच है लेकिन उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है जो पढ़ाई कर चुके हैं वो बस मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहे दोपहर बारह बजे दो बजे छह बजे आठ बजे जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया कल ये बैच आ रहा है तैयारी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच उसको ज्वाइन कर सकते हो आगे बढ़ते हैं ये देखिए बहुत बड़ी खबर आ रही है रानी खेत फर्नरी अब ये आप पूछोगे क्या है ये देखिए हिंदू की खबर है तो इंडियाज लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी डेवलप्ड इन रानी खेत बेटा ये फर्नरी क्या होती है फर्नरी बेटा एक ऐसी जगह होती है जहां पर एक ओपन एरिया होता है जहां पर फंस जो है बनते हैं फंस क्या होते हैं बेटा फंस एक ऐसे प्लांट होते हैं जो स्पोर्ट्स से डेवलप करते हैं मतलब कि वो उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा वो स्पोर्ट्स के थ्रू होता है मतलब ये एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर सीड्स और फ्लावर नहीं होते हैं तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उन्हें फंस कहा जाता है और भारत की सबसे बड़ी फर्नरी जो है रानीखेत में खोली गई है रानीखेत खेत कहा है बेटा उत्तराखंड में है बहुत बढ़िया शाबाश बाबा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सो आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं फर्नरी ये देखेगा तो इंडिया लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी वॉज इनोग्रेटेड उत्तराखंड रानी खेत ये देखेगा सो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की पहली सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहां खोली गई है तो रानी खेत उत्तराखंड में खोली गई है बहुत बढ़िया शाबाज बच्चो सो रानी खेत उत्तराखंड में खोली गई है तो फर्नरी इज होम टू लार्ज नंबर ऑफ फर्न स्पीशीज सम ऑफ आर एंडेमिक टू द स्टेट सम होल्ड मेडिसिनल वैल्यूज वाइट सम आर थ्रेटेड स्पीशीज दैट डिमांड केयर एंड एंड कंजर्वेशन तो अब इसे क्यों खोला गया है समझो अब इस फर्नरी को क्यों खोला गया है? क्योंकि इसमें से कुछ फंड ऐसे हैं जो कि उत्तराखंड के स्पेसिफिक हैं कुछ ऐसे हैं जिनकी बहुत हाई मेडिसिनल वैल्यूज हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि बेटा कंजर्वेशन चाहते हैं मतलब वो थ्रेटेंड है या वलरेबल है एक्सटिंक्शन के गगार पर हैं तो ऐसे फर्न को वहां पर लगाया जाएगा द न्यूली इनोग्रेटेड फर्नरी वन ऑफ द बिगेस्ट फर्नरीज इन इंडिया द फर्नरी हैज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ फर्न स्पीशीज सेकेंड ओनली टू जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटानिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट एट त्रिवंतरमपुरम तो याद रखिएगा तो ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट फर्नरी होगी भारत में इस सबसे पहले सबसे बड़ी जो है वो जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटानिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि त्रिवेंद्रम में है However, it is a country's first open-air natural surrounding, which is not under any poly house or shade house. लेकिन यह भारत की सबसे बड़ी open house funerary है जैसे कि जवाहरलाल नेहरू Tropical Botanical Garden Research Institute जो है ये बेसिकली ओपन हाउस नहीं है मतलब ये क्लोज एनवायरमेंट में है जबकि ये जो बनाई गई है ये फर्नरी उत्तराखंड में बनाई गई है द्वानी खेत में ये ओपन हाउस है तो फर्म आप जानते हैं इट been developed by द रिसर्च विंग ऑफ उत्तराखंड Forest डिपार्टमेंट

ठीक है हाँ जी राजा कहा सुनते गए थी हाँ जी क्वेश्चन आ जाएगा बहुत बढ़िया देखो ये देखो भाई क्या जबरदस्त बच्चे हैं हमारे कह रहे हैं कि राजा हिंदुस्तानी की शूटिंग भी रानी खेत में हुई थी ये भी क्वेश्चन आएगा बहुत बढ़िया बहुत पिक्चर है देखते हो बेटा वो भी राजा हिंदुस्तानी पुरानी हो गई बेटा आप तो नहीं देख लो है ना वो उन्नीस की जवानी अभी अभी उन्नीस की पिक्चर है अभी भी देख रहे हो क्या परदेसी परदेसी जाना नहीं है ना अब बेटा वो खत्म हो गया अब कुछ और चल रहा है आजकल मार्केट में कुछ नया आ गया है हां जी ठीक है तो भारत की सबसे बड़ी फर्नरी कहां खोली गई है उत्तराखंड में फर्नरी में क्या होते हैं बेटा फर्स स्पीशीज होते हैं फर्न स्पीशीज क्या होते हैं ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फ्रूट्स और जो फ्लावर्स और जो हैं सीड्स नहीं होते हैं बल्कि वो स्पोर्ट से रिप्रोडक्शन करते हैं याद रखिएगा ये क्यों खोला गया है इसलिए खोला गया है ताकि कुछ इसके अंदर ऐसी स्पीशीज हैं जो एंडेमिक है तो उत्तराखंड कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनकी हाई मेडिसिनल वैल्यू है और कुछ ऐसी हैं जो कंजर्वेशन चाहती हैं इसे जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड ने खोला है किस स्कीम के तहत कंपा स्कीम के तहत याद रखिएगा बहुत बढ़िया हाँ। बहुत बढ़िया हाँ। लाइक और शेयर हो जाए भाई साहब अब तो हम पहुंच गए टारगेट में बहुत बढ़िया हाँ। बहुत बढ़िया हाँ। ओके भाई साहब लाइक और शेयर हो जाए एक बार फिर से बहुत बढ़िया हाँ। शाहबाच सातवीं खबर है आइए भाई साहब बहुत बड़ी खबर आ रही है एल सी एम के टू इन न्यूज कंटेक्स डिफेंस एंड सिक्योरिटी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द हिंदू तो एलसीएम के टू टू रोल आउट नेक्स्ट ईयर फर्स्ट फ्लाइट इन दो हजार तेईस से साइंटिस्ट बहुत बढ़िया तो एल सी ए का मतलब क्या होता है तो एलसीए का मतलब होता है बच्चों लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे आपने सुना होगा एलसीए तेजस वैसे ही एल सी एमके टू जो है रोल आउट होगा अगले साल और पहली फ्लाइट दो हजार तेईस में होगी क्या बात है बहुत बढ़िया खबर है भारत के लिए आइए देखते हैं तो ये देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं एल सी एम के टू टू रोल आउट नेक्स्ट ईयर फर्स्ट फ्लाइट इन 2023 से साइंटिस्ट तो भैया 2023 में पहली फ्लाइट होगी वो भी टेस्ट फ्लाइट होगी याद रखिएगा ठीक है अब देखते हैं ये इंडक्शन कब होगा मतलब इसका कमीशनिंग कब होगी वो तो बात की बात है द कन्फिगुरेशन फॉर द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एम के टू हैज बीन फ्रोजन एंड स्टील कटिंग इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन सूल याद रखिएगा ठीक है हां जी फॉर द फिफ्थ जनरेशन एडवांस मीडियम रोल आउट ऑफर दो हजार्स रेंज एंड एंडक्लूडिंग इन ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम विच इज बी इंटीग्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम तो याद रखिएगा पहली बार ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम भी इसमें लगाया जाएगा तो ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम होगा इसके अंदर

तो ये काफी अच्छी खबर आ रही है एल सी एम के टू याद रखिएगा हां जी ये काफी काफी इंपॉर्टेंट है एच एल द्वारा बनाया जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड याद रखिएगा और आपको मालूम है ये अब भारत सरकार आजकल आप देख रहे होंगे नए एयरक्राफ्ट बनाने पर काफी ध्यान दे रही है क्योंकि जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं बेटा उन्हें फेज आउट करने का समय आ चुका है जैसे मिग ट्वेंटी हो गया जैगवार हो गया या मिराज हो गए ये सब बेटा अब फेज आउट करने का मौका आ गया है क्योंकि इतने पुराने हो चुके हैं आए दिन हादसे होते हैं कोई भी महीना ऐसा नहीं होता है जब न्यूज पेपर में हम नहीं पढ़ते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का जो है मिग ट्वेंटी वन गिर गया क्यों गिरते हैं बेटा वो इतने पुराने हो चुके हैं सिक्सटी ईय पुराने सिक्सटी ईयर्स ओल्ड हैं अब उन्हें जो है आजकल जो है बहुत ही फेमसली लोग जो हैं फ्लाइंग कॉफिन्स के नाम से जाना जाता है मिग ट्वेंटी वन को याद रखेगा कहते हैं कि उड़ता हुआ ताबूत है भैया वो याद रखे कहीं भी गिर जाता है ठीक है तो इसीलिए अब भारत सरकार नए एयरक्राफ्ट लाने को इंडेक्ट कर रही है अभी आपने देखा होगा रफेल्स को इंडेक्ट किया गया गोल्डन गोल्डन में अम्बाला में अंबाला उसके बाद एलसीए तेजस भी अब आ रहा है जिसके लिए जो स्क्वाड्रन बना दी गई है कहां पर कहा में बनाई गई है और अब यह एलसीएम के आएगा याद रखिएगा इसके लिए भी अब स्टील कटिंग वगैरह शुरू हुई है मतलब काम शुरू हो जाएगा कन्फिगुरेशन रेडी है याद रखिएगा ठीक है न्यूज नंबर आठ भाई साहब बच्चों बच्चों देख लो एनवायरमेंट एनवायरमेंट बेटा जब भी आता हो ना हमेशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लियर करो ठीक है हाँ जी हाँ जी बहुत बढ़िया तो बस लाखों की ही है क्या बेटा आराम से सुनते रहो गलत बात क्या हो रहा है भाई भाई आराम से बेटा पढ़ लो फिर लास्ट में बढ़ाए देंगे एनवायरमेंट सो क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन डायलॉग क्या बात है इंडिया यूएस टू कोलैबोरेट ऑन रीचिंग ग्रीन एनर्जी टारगेट्स क्या बात है बहुत अच्छी बात है तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर भारत ने अमेरिका का साथ दिया है बहुत अच्छी बात है भैया और वैसे भी आपको मालूम है क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मैटर है और 2030 ज्यादा दूर नहीं है क्योंकि 2030 में आपको मालूम है कि सबको जो है एस टारगेट्स पूरे करने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो सत्रह टारगेट हैं उनमें से क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा कारण है याद रखिएगा ठीक है तो याद रखिएगा बच्चों की क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन डायलॉग इंडिया यूएस टू कोलैबोरेट ऑन रीचिंग ग्रीन एनर्जी टारगेट्स सो ग्रीन एनर्जी टारगेट्स को पूरा करने के लिए भारत और यूएसए कोलैबोरेट कर रहा है अच्छी खबर है सो so, ये देख सकते हैं इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लॉन्च द क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन डायलॉग सी एफ एम डी याद रखेगा क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन डायलॉग ये काफी इंपॉर्टेंट है तो आइए देखते हैं इसमें क्या है आपसे सीधा सीधा एग्जाम में देखो एग्जाम में इतना अंदर नहीं घुसते हैं वो आपसे सीधे सीधे पूछ सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के अभी भारत सरकार ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है तो भारत सरकार ने कोलैबोरेट किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ ताकि ग्रीन एनर्जी टारगेट्स को पूरा किया जा सके दी एफ एम डी इज वन ऑफ द टू ट्रैक्स ऑफ द इंडिया यूएस क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा ऑफ दो पार्टनरशिप समझ रहे हो 2030 बेटा ध्यान लगाओ जब भी 2030 की बात होगी ना तो एसडीजी को हमेशा ध्यान में रखना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जी पार्टनरशिप लॉन्च एट द लीडर समिट ऑन क्लाइमेट इन अप्रैल 2021 बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट जो जोसेफ बिडेन याद रखेगा ठीक है द डायलॉग वॉज फॉर्मली लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव एंड मिस्टर जॉन कैरी यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल फॉर क्लाइमेट एट इवेंट हेल्ड इन न्यू डेली याद रखिएगा द डायलॉग विल नॉट ओनली स्ट्रेंथन इंडिया यूएस बायोलेट्रिकल कॉपोरेशन क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट बट ऑल्सो हेल्प टू डिमोन्स्ट्रेट हाउ वर्ल्ड कैन अलाइन स्विफ्ट क्लाइमेट एक्शन विद इंक्लूसिव एंड रेजिलेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेकिंग टू अकाउंट नेशनल सर्कमस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज लॉन्च वॉज प्रिडेड बाय अ बाय्रल मीट वेयर बोथ साइड डिस्कस देंथ ऑफ वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट इशूज रिलेटिंग टू सीओपी ट्वेंटी सिक्स क्लाइमेट एम्बिशन ये सारी चीजें अब देखो बेटा यहां पर एक बात समझो कि यूएसए क्या कह रहा है मतलब बातें सुनो भैया यूएसए कह रहा है कि हम ऐसा कोलेबोरेशन करेंगे और ऐसी चीजें डेवलप करेंगे कि हम क्लाइमेट को भी प्रोटेक्ट कर लें और और एनवायरमेंट को भी बचा लें बेटा एक चीज हमेशा याद रखना कि एनवायरमेंट एंड इकॉनमी ऑलवेज हैव इनवर्स रिलेशन अगर एनवायरमेंट बढ़ेगा तो इकॉनमी हमेशा घटेगी और इकॉनमी बढ़ेगा तो एनवायरमेंट हमेशा ढसेगा तो याद रखिएगा कि बेटा आप दो नाव में एक साथ पैर नहीं रख सकते याद रखिएगा या तो आप एनवायरमेंट बचा सकते हैं या इकॉनमी बचा सकते हैं अब ये मीटिंग करी जा रही है कि भैया कुछ ऐसी चीजें लाओ कि एनवायरमेंट भी बच जाए और इकोनॉमी भी बढ़ जाए क्या बात है वरना 2030 में बेटा जब यूनाइटेड नेशन वाले डंडा देंगे ना आपका किसका कि भैया एस का क्या हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का क्या हुआ तो मुंह के खड़े हो जाना बेटा ठीक है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया यूएसए के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है ग्रीन एनर्जी टारगेट्स को पूरा करने के लिए आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू आठवीं खबर क्लियर है अब ये देखिए भाई साहब हो, हो 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 ये कोविड नाइनटीन क्या क्या करेगा भाई साहब एक और देश अभी आप लगातार सुनते जा रहे हैं कई देश इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसते जा रहे हैं सबसे पहले आपने सुना होगा अभी वेनेजोला की हालत खराब हुई बीच में आपने सुना होगा सीरिया में काफी हालत खराब हुई मलेशिया में इकोनॉमिक मेल्टाउन काफी हैवी है और फाइनली ये देख सकते हैं बेटा द इकोनॉमिक मेल्ट डाउन इन लेबनान तो लेबनान में भी हालत खराब है इंटरनेशनल न्यूज अब आपको मालूम है कि लेबनान जो है बेटा वो एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है याद रखिएगा वहां पर इकोनॉमिक मेल्टाउन हुआ हाउउ बैड इज द क्राइसिस इन लेबनान याद रखिएगा ठीक है तो अब देख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पिछले दो साल में 78 परसेंट पॉपुलेशन ऑफ लेबन जो है पॉवर्टी में चली गई है भाई साहब तो बहुत बड़ी खबर है 78 परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री जबकि ये छोटे मोटे देश हैं दो चार करोड़ की आबादी होती है तब ये हालत है भारत में तो बेटा 135 करोड़ की आबादी होने के बाद भी हम तीस से ज्यादा कभी पॉवर्टी में नहीं जाते हैं लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई साहब ऐसा हो गया है ठीक है आइए देखते हैं लेबन फाइनेंशियल मेलडाउन स्विफ्टी इन द लास्ट मंथ विद मच ऑफ द फ्यूल शॉर्टेज दैट है याद रखिएगा ठीक है तो काफी बड़ी है सबसे पहले तो फ्यूल शॉर्टेज वगैरह हुई है वहां पर सो ओवर द टूर्स सेवेंटी एट परसेंट ऑफ द लेबनीस पॉपुलेशन है वर्ल्ड बैंक सेन ऑफ द शार्पेस्ट डिप्रेशन ऑफ द मॉडर्न टाइम्स बहुत बढ़िया सही बात है बेटा अगर ऐसा है तो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट कह रही है कि सेवेंटी एट परसेंट किसी देश की आबादी जो है वो बेटा पॉवर्टी में चली जाए यह तो मतलब मॉडर्न टाइम्स में इससे बड़ा शार्पेस्ट बेटा यहां पर कहीं पर भी नहीं देखा गया है याद रखेगा अर्ली इन द क्राइसिसन मैसेव पाइल ऑफ पब्लिक डेप इंक्लूडिंग थर्टी फन बिलियन उटस्टैंड टू क्रेडिटर्स करीब इकतीस बिलियन के बॉन्ड्स जो है वो क्रेडिटर्स के ऊपर इनके बकाया है इकतीस बिलियन डॉलर बेटा छोटो इकतीस बिलियन डॉलर का तो डेप्थ है जो क्रेडिटर्स के पास बड़ा है द करेंसी बाई मोर देन नाइनटी परसेंट डिमोलिशिंग परचेजिंग पावर एन द कंट्री डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स द बैंकिंग सिस्टम इज पैरालाइज तो भाई साहब याद रखिएगा करेंसी की जो वैल्यू है 90 परसेंट गिर गई है जिससे परचेजिंग पावर ऑब्वियसली बात है खत्म हो जाएगी और बैंकिंग सिस्टम पूरा पैरालाइज हो गया है द फ्यूल शॉर्टेज ओवर फ्यूल टैंकर हाईजैक्ड तो भाई साहब ऐसी हालात हो रखी है देश में कि लोगों को बेटा पेट्रोल डलवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है तो पहली चीज यह है बेटा कि वहां पर फ्यूल शॉर्टेज हुई है दूसरी चीज वहां पर यह है कि करेंसी गिर गई है जिसके वजह से परचेजिंग पावर खत्म हो गई और देश जो है बेटा वो इंपोर्ट्स पर निर्भर है याद रखिएगा बेटा जो भी देश इंपोर्ट्स पर निर्भर होता है वो बर्बादी की कगार पर होता है मैं सच बता रहा हूं इसीलिए कहा जाता है बच्चों आत्मनिर्भर बनो अपने देश में जो चीजें हैं उसको बढ़ाओ और उसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश करो रेदर देन इंपोर्ट इंपोर्ट सब्सिट्यूशन इज समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जहां पर आप इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करने से सारी फॉरेन करेंसी आपकी चली जाती है तो जाहिर सी बात है कि हमारे रिजर्व भी कम होते हैं तो इंपोर्ट से अच्छा एक्सपोर्ट करना इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए लेबनान इज द कंट्री इन द वेस्टर्न एशिया एंड इज बॉर्डर्ड बाई सीरिया टू द नॉर्थ ईस्ट टू द इजराइल बॉर्डर्ड बाई सीरिया टू द नॉर्थ एंड ईस्ट ईस्ट एंड इसराइल टू द साउथ साइप्रस लाइज टू द वेस्ट अक्रॉस द मेडिटेरेनियन सी अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि नॉर्थ और ईस्ट में जो है बेटा सीरिया है और सीरिया आपको मालूम है एक वॉर रिडन कंट्री है जहां पर ऑलरेडी जो है बेटा एक बहुत बड़ा सिविल वॉर चल रहा है तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा इस समय क्राइसिस चल रही है याद रखिएगा ठीक है हाँ जी <coughs> भाई यार यहां पे क्या हो रहा है देखो बेटा दो चीजें सुनो बच्चों एक चीज मैं बताऊं जैसे मैं हूं देखो मेरा कंसेंट्रेशन इस समय कितना हैवी है कि मैं सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान दे रहा हूं इसी तरह तुम लोग को भी अपना कंसेंट्रेशन बढ़ाना है बेटा कमेंट्स पे ध्यान मत दो अपना काम करते रहो आगे बढ़ो पढ़ो बेटा याद रखिएगा आपको मालूम है कि जब आप आ, कभी पैरा एस की कमांडो ट्रेनिंग में जाएंगे ना आपको मालूम है वहां पर क्या होता है रगड़ा टेस्ट होता है आज जाकर डिस्कवरी आज जाकर यूट्यूब पर देखिएगा रगड़ा टेस्ट क्या होता है बेटा थर्टी आवर्स का एक स्ट्रेस टेस्ट होता है ठीक है कमांडो ट्रेनिंग में वहां पर क्या होता है ना बेटा कि आपको टेस्ट दिया जाता है और टेस्ट में जो है ना जोर जोर से लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं गाने बजाए जाते हैं हा हा हू हू हु, 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 हु लोग चिल्लाते हैं और उस एनवायरमेंट में आपको अपने पेपर को देना होता है तो उसी तरह बच्चों अपने अंदर ऐसी चीजें बनाओ लोग क्या कर रहे हैं क्या लिख रहे हैं कुछ नहीं हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है दैट्स इट मेरा कंसेंट्रेशन देखो मैं सिर्फ अपने पढ़ाने पर फोकस कर रहा हूं तुम्हारा कंसेंट्रेशन होना चाहिए सिर्फ पढ़ने फोकस करो ठीक है जी ठीक है बहुत बढ़िया शाबाश आगे बढ़ते हैं और दस आखिरी खबर है एस सीईपी यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप आप देख सकते हैं भाई साहब अभी आपको मालूम है कि भाई जब हम बात कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी की तो जब ग्रीन एनर्जी होगा तो क्लीन एनर्जी भी होगा तो पर पार्टनरशिप हुई है तो इंटरनेशनल न्यूज है सो कैरी विजिट विजिट मार्क्स मार्क्स इंडिया यूएस शिफ्टिंग फॉर क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप तो जॉन कैरी आपको मालूम है कौन है जॉन कैरी बेटा यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बिडेन साहब उनके स्पेशल इन्वॉय है एनवायरमेंट के वो समय भारत आए हुए हैं इस वजह से सारी बातें हो रही हैं ठीक है तो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हरदीप सिंह पुरी को चेयर अ वर्चुअल मिनिस्टीरियल मीटिंग विद यूएस सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी जेनिफर launch द रिवैम यूएस स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप तो याद रखिएगा ठीक है हाँ जी ये काफी इंपॉर्टेंट है तो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर जिनका नाम है हरदीप सिंह पुरी उन्होंने को चेड वर्चुअल मिनिस्टीरियल मीटिंग विद यूएस सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी मिस जेनिफर ग्रैंड टू लॉन्च अ रिवैम्ड यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप एस सी पीज लॉन्च इन अकॉर्डेंस विद्यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा ऑफ दो हजार मोदी प्रे बन लीडर इन अप्रिस इनको मालूम है वही सेम चीज है याद रखियेगा जो मैंने आपको बताया था वही सेम चीज है कि क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट चेंज को लेकर इंडिया और यूएस जो है कोलाबोरेट कर रहा है ताकि भैया वो चीजों को बेहतर कर सके ठीक है हांजी बहुत बढ़िया चलो भाई बहुत बढ़िया तो ये हो गई आज की दस खबरें आज की दस खबरें हो गई अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे भाई साहब ठीक है जल्दी जल्दी आ जाओ बच्चों अब एक बार सारे लोग लाइक और शेयर बटन दबा दें और बताइए क्लास कैसी लगी फिर हम लोग दस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं फटाफट ज्यादा देर नहीं करते दस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ठीक है जी हाँ, बहुत बढ़िया थैंक यू मिहिर थैंक यू थैंक यू बेटा थैंक यू बहुत बढ़िया ऑफिसर बनो बेटा और ऑफिसर की क्वालिटी क्या होती है कि वो अपने एम पर फोकस होता है मुझे सिर्फ दिखाई दे रहा है जैसे मुझे इस समय सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही है मेरे 200 बच्चे सैल्यूट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं भाई साहब ठीक है तो मेरे 200 बच्चे मुझे सैल्यूट करते दिखाई दे रहे हैं बस मुझे तो भाई साहब अब यही दिख रहा है तो तुम्हें क्या दिखना चाहिए तुम्हें वो वर्दी दिखनी चाहिए तुम्हें वो स्टार्स दिखने चाहिए भाई साहब तो तुम्हारा एम भी वही होना चाहिए ठीक है हां जी चलो भाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर्स याद रखिएगा बच्चों ठीक है हाँ जी किशन देखो बेटा मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स बच्चों आपको नवंबर 2020, 1 एक नवंबर 2020 से 31 अक्टूबर 2021 तक की करनी है जिसमें से मैं आपको बता दूं एक मिनट सुन लीजिएगा मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बताता हूं कि नवंबर दिसंबर और जनवरी ये जो तीन महीने हैं ना ये आपको करीब पंद्रह परसेंट क्वेश्चन देंगे ठीक है हां जी दस से पंद्रह परसेंट फरवरी मार्च और अप्रैल फरवरी मार्च और अप्रैल ये करीब पच्चीस परसेंट क्वेश्चन देंगे तो पच्चीस परसेंट क्वेश्चन फरवरी मार्च अप्रैल से आएगा और बेटा मई से अक्टूबर मई से अक्टूबर आपके सिक्सटी क्वेश्चन आएंगे साठ परसेंट क्वेश्चन मई से लेगा अक्टूबर के बीच है ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा याद रखिएगा ठीक है तो मई से अक्टूबर तो मतलब घोल के पीना है जिसमें से सितंबर और जिसमें से अगस्त सितंबर अक्टूबर तो थर्टी परसेंट देगा ही देगा याद रखिएगा ठीक है आ, रोहित शर्मा बेटा पॉलिटी आप मुझसे कर लो कोई परेशानी नहीं है नया बैच शुरू हो रहा है उसमें विशाल सर पढ़ा रहे उनसे कर लो आपकी मर्जी बेटा अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन का यही तो फायदा है वो बहुत कस्टमाइज है आपको जिससे पढ़ना पसंद हो आप उससे पढ़िए ठीक है बच्चा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे का तक का करवा दो पूछ देता है नहीं बेटा नहीं डीवीआर सिर्फ इकतीस अक्टूबर तक करेंगे एक नवंबर से करंट अफेयर नहीं करेंगे एक नवंबर से बेटा मैं तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक चीज लेकर आ रहा हूं टांडव सेशन आतंक सेशन बिल्कुल टांडव तबाही तो अगले लास्ट दस दिन तो बेटा तुम्हारे लिए मैंने मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट बनाए बनाए हैं और ऐसे ना जैसे लगेगा तुम्हें कि तुम डेली एग्जाम देने जा रहे हो मतलब लास्ट के दस दिन तुम्हें बिल्कुल एग्जाम रेडी करना है मुझे याद रखेगा चलो पहला क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रेफरेंस टू द मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल इट इज एन एडवांस नेटवर्क सेंट्रिक कॉम्बैट एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप ज्वाइंटली बाई डीआरड एंड रशियन एरोस्पेस इंडस्ट्री इट इज केपेबल मल्टीपल टारगेट रेंज ऑफ टू सेवेंटी जल्दी बताओ फास्ट बहुत बढ़िया जल्दी देखो क्वेश्चन देखो और जवाब दो यार टाइम मत खराब करो फास्ट जल्दी देखो जवाब दो जल्दी देखो और जवाब दो बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया तो बेटा याद रखिएगा इसे रशियन एरोस्पेस इंडस्ट्री नहीं बल्कि इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बनाया यह गलत है यह सही है राइट आंसर टू ओनली हो जाएगा राइट आंसर टू हां जी तो रशियन एरोस्पेस इंडस्ट्री और डीआरडीओ ने द फॉलोइंग स्टेट में रेफरेंस टू द यूएस इंडिया क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप इट वॉज लॉन्च इन यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा दो हजार न्यू इंडिया यूएस टास्क फोर्स ऑन बायोफ्यूल्स फॉर रिसेंटली अनाउंस टू बिल्ड ऑन द स्कोप ऑफ वर्क ऑन कॉपरेशन इन बायोफ्यूल सेक्टर जल्दी बताओ बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर दो को देखिए जल्दी देखो तो बिल्कुल सही इट वाज लॉन्च अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है और न्यू uh, जो है बायोफ्यूल रिसेंटली लॉन्च्ड बिल्कुल सही है राइट आंसर इज सी बोथ वन एंड टू इज द राइट आंसर बहुत अच्छे शाबाश तीसरा क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफरेंस टू द ड्यूगोंग इंडिया फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व विल बी बिल्ड इन केरला ड्यूगोंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ अंडमान निकोबार इट इज दर्बी वोरस मैमल स्ट्रिक्टी मरीन एंड ओनली एक्सटेंड फैमिली ड्यूगंडी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में इस बार तो इंडिया फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है बेटा वो तमिलनाडु में बनाया जाएगा ना कि केरला में पहला गलत पहला गलत मतलब ये सारे गलत राइट आंसर इज टू एंड थ्री लगा दो बेटा जहां पर तीन स्टेटमेंट मिल जाए तीन स्टेटमेंट मिलते ही एलिमिनेशन चिपका देना तीन स्टेटमेंट तो एलिमिनेशन काम करना ही करना है कुछ हो ही नहीं सकता ठीक है एयर एंड ट्रैप इट द ग्राउंड बहुत बढ़िया हां जी ये साल में करीब चार हजार टन कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बेटा ट्रैप करके जमीन में वो कर देगा कर देगा और ये याद रखिएगा ये सबसे बड़ा ऑपरेशन फैसिलिटी आइसलैंड में शुरू हुई है बोथ वन एंड टू इज द राइट आंसर सी बहुत अच्छे तो सी इज द राइट आंसर शाबाश क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर सी है नेक्स्ट पांचवा इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली बिगैन द हाई लेवल टू प्लस टू फॉरन एंड डिफेंस मिनिस्ट्रियल डायलॉग इन न्यू डेली जल्दी बताओ तो टू प्लस टू फॉरन एंड डिफेंस मिनिस्ट्रियल डायलॉग किसके बीच शुरू हुआ है आपको मालूम है कि पैसिफिक ओशियन में और साउथ चाइना सी में जो है चाइना के वर्चस्व को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू हुआ है बिल्कुल सही है लेबनान इज बॉर्डर्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कंट्रीराइल कतर या सीरिया हां जी जल्दी बताइएगा तो लेबनान आपको मालूम है यहां पर एक इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई है बहुत तगड़ी और याद रखिएगा इकोनॉमिक मेल्टाउन हुआ है याद रखिएगा कि इट इज बॉर्डर्ड बाय इसराइल बिल्कुल सही है कतर नहीं है सीरिया है तो वन एंड थ्री वन एंड थ्री इज द राइट आंसर ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर छह का राइट आंसर ए है हां <coughs> जी लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी वॉज रिसेंटली इनोग्रेटेड इन जल्दी बताओ भारत की सबसे बड़ी फर्नरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्न स्पीशीज के लिए ये कहां पर खोली गई है रानीखेत कोची जयपुर सूरत आपको मालूम है ये भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी है इसे रानीखेत में खोला गया उत्तराखंड में

तो ये जो है अगले साल रोल आउट होगा और 2023 में पहली फ्लाइट की उम्मीद है बिल्कुल सही है ये भी सही है राइट आंसर इज सी बोथ वन एंड टू इज द राइट आंसर शाबाश वेरी गुड नेक्स्ट इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली लॉन्च द क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन डायलॉग हां जी सो क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन डायलॉग भारत ने किसके साथ लॉन्च किया है वेरी 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 इजी क्वेश्चन विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अप्रैल 2021 में जो डील हुई थी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मिस्टर जो बिडेन के बीच उसको अब रूप दिया जा रहा है बहुत बढ़िया 2030 के जो एस डी जी है उनका टारगेट भी पूरा करना है अ टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम कंट्री दैट दे डिस्कवर्ड बिलीव इज द वर्ल्ड नॉर्दर्न मोस्ट आईलैंड ऑफ द ग्रीनलैंड कोस्ट बहुत बढ़िया शाबाश जल्दी हां जी तो आइसलैंड डेनमार्क नॉर्वे या स्वीडन कहाँ के साइंटिस्ट हैं तो ग्रीनलैंड आपको मालूम है इट इज अ पार्ट ऑफ विच कंट्री हाँ जी तो ग्रीनलैंड किसका पार्ट है बिल्कुल सही है तो ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ विच कंट्री हम सबको मालूम है ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क तो डेनमार्क के साइंटिस्टों ने इसे ढूंढा है और ये दुनिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट हाईलैंड है तो ये हो गया भैया आज का हमारा करंट अफेयर्स खत्म अब बताओ कुछ डाउट है कुछ पूछना है बता दो बच्चा हां जी जल्दी बताइए कुछ डाउट है कुछ पूछना है तो बता दो वरना सारे लोग सेशन को लाइक बटन जरूर दबा देंगे अगर सेशन अच्छा लगा है तो थैंक यू हां जी थैंक यू शैलेंद्र पांडे बहुत बहुत शुक्रिया हां जी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो बच्चों हर चीज का समय दिया जाता है थैंक यू थैंक्स बच्चों थैंक यू सभी का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू दीपिका प्रशांत आशीष विनोद अशोक थैंक यू प्रतीक थैंक यू छवि थैंक यू सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आप इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल क्यू एन ए अकेडमी मिल जाएगा बच्चों ठीक है सर कल से पॉलिटिक्स स्टार्ट हो रहा है वो कैसे आपसे पढ़े बेटा कल से पॉलिटिक नहीं स्टार्ट होगा कल से हिस्ट्री शुरू होगा मेरा ठीक है आशीष कुमार सिंह अभी सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे अब रात हो गई है ना अब ये सेशन मेरे खत्म हुए हैं अब मैं आराम से सारे पीडीएफ आपको भेज दूंगा ठीक है सेलिना टाक बेटा मैंने ऑलरेडी चार महीने का करंट अफेयर्स पढ़ाया हुआ है आप लोग को यूट्यूब पर ठीक है इस बार सैटरडे को हम फिर आगे बढ़ेंगे परेशान मत होइए नेक्स्ट डे के स्टार्ट में कराया करो ठीक है प्रीतम प्रियदर्शनी मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए सब कुछ मिल जाएगा ठीक है चलो भाई अब देखो तो भाई ये है हमारा जो बैच कल से शुरू हो रहा है सीडीएस ओटीए का क्रैश कोर्स है ये पंद्रह सितंबर से डॉक्टर अमित सिसोदिया इंग्लिश मैथ्स में ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमी करेंट अफेयर्स विशाल सर पॉलिटी रेशमा मैम साइंस और सुजीत सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं ये बैच आप देख सकते हैं कल से शुरू हो रहा है बहुत ही बढ़िया बैच है टॉप क्लास बैच है याद रखिएगा तो अब देख लो बेटा कि 30 सितंबर तक ये ऑफर है आपके पास अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 महीने का एस आपको फ्री मिलता है दूसरी चीज 13 से लेकर 17 सितंबर तक एक और चीज है कि 15 परसेंट का डिस्काउंट चल रहा है बेटा तो ये फ्राइडे तक डिस्काउंट है और मेरा कोड इस्तेमाल करोगे तो 10 परसेंट और मिलेगा मतलब टोटल 25 फाइव परसेंट डिस्काउंट विच इज अ वेरी गुड अमाउंट याद रखेगा तो ऑलमोस्ट वन फोर्थ आपकी फीस कम हो जा रही है याद रखिएगा तो इस डिस्काउंट को आप अवेल कर सकते हैं सी डी एस एफ कैट सी याद रखिएगा ग्रैंड डिफेंस एग्जाम स्पेशल प्राइस वीक है सत्रह तारीख तक है आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं और सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बेटा एक महीने का अगर तुम्हें लगता है सिर्फ रिवीजन करना है तीन महीने का तुम्हें लगता है एक बार पेपर निकालोगे दो बार में निकालोगे छह महीने आराम से तैयारी करो बारह महीने का सब्सक्रिप्शन लो क्योंकि सितंबर 2022 तक सारे एग्जाम हो जाएंगे तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन और ग्रेजुएशन में नए हो तो 24 महीने का भी ले सकते हो बस मेरा कोड याद रखना क्यू एल लाइव जैसे इस कोड का इस्तेमाल करते हैं यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है सत्यम कुमार साहब ले लेंगे ठीक है आ, अभी मिश्रा बेटा ये डेली करंट अफेयर है सैटरडे को दोपहर बारह बजे मंथली करंट अफेयर होगा ठीक है अभी हाँ जी आ, मुजम्मिल शेख साहब नए बैच में पॉलिटी में अभी नहीं पढ़ाऊंगा अब अगला बैच जो 2022 के लिए आएगा उसमें पढ़ाऊंगा प्लस अगर आपको पढ़ना है तो मेरे पुराने बैच में आप पढ़ सकते हैं क्योंकि अन अकेडमी पर आप वो भी कर सकते हैं ठीक है हां जी चलो तो भाई थैंक यू सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज की क्लास आने के लिए इट वॉज इंडीड अ ग्रेट प्लेजर टीचिंग यू ऑल है मिलते हैं कल दोपहर बारह बजे तो कल दोपहर बारह बजे हमें क्या करना है कल दोपहर बारह बजे जो जीएस फिफ्टीन सीरीज है उसका डे नंबर टू है और दोपहर को दो बजे कल हम लोग जीएस पोस्टमार्टम सीरीज में सीडीएस सीडीएस टू टू थाउजेंड नाइनटीन का पार्ट टू करेंगे शाम को छ बजे एम सीरीज में जो है हम लोग टॉपिक वाइज करंट टॉपिक वाइज जीएस की प्रैक्टिस करेंगे कल से हिस्ट्री शुरू हो रहा है और शाम को आठ बजे करंट अफेयर्स चार घंटे बेटा डेली देने हैं तुम्हें और अगर आप तक पढ़ाई नहीं की है तो छह घंटे देने पड़ेंगे जीएस को तो ऐसे जीएस को चार घंटे देने और आज तक पढ़ाई नहीं किए तो छह घंटे मतलब आपको एक पेड बैच भी लेना होगा ठीक है चलिए भाई सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हैव अ नाइस डे जय हिंद जय जै भारत एंड वंदे मातरम थैंक यू